पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स भाग गए, एरी ब्रूक नहीं होगा तो फला नहीं होगा तो राशिद खान नहीं होगा, असल में इसका कसूरवार कौन है? पाकिस्तान सुपर लीग में कई बड़े खिलाड़ी अनअवेलेबल हो गए हैं, यानी कि आइंदा जो आने वाला एडिशन है वो नहीं खेलेंगे, जिसमें हैरी ब्रूक शामिल है, आदिल रशीद शामिल है, जबकि जो दीगर टॉप खिलाड़ी है वो भी ज्यादा मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। अब पीएसएल ने भी यार आज खबर ये आई कि जी वो बेन आदिल राशिद भी नहीं आ रहे हैं और हैरी ब्रूक्स वाज अ बिग ड्रॉ इन द लास्ट पीएसएल, वो भी नहीं आ रहा इंग्लिश टीम की कमिटमेंट्स की वजह से। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर इंग्लिश टीम की कमिटमेंट्स थी तो ये फिर ड्राफ्ट में करके आ रहे थे यार, फिर इनको आपने ड्राफ्ट में रखा क्यों था? अगर ये अवेलेबल नहीं था तो इनको फिर ड्राफ्ट में क्यों रखा गया पीएसएल के? लोग कंफ्यूज है यार, लोग कह रहे हैं आप सप्लीमेंट्री, पता है इससे क्या होता है, एकदम से जब खबर चलती है हैरी ब्रूक नहीं आ रहा, अब तरह तरह की बातें होती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती। जो मैं कहता हूं कि लिविंग स्टन इधर 1.5 करोड़ ले रहा था आईपीएल में, उसको 10-12 करोड़ मिल गए, तो अब वो पाकिस्तान सुपर लीग उसके लिए आम नहीं रहेगी। इसी तरह हैरी ब्रूक ने लाहौर कलंदर ने उसे बनाया, सेंचुरी भी उससे करवाई, दुनिया को दिखाया, इंग्लैंड वालों को बताया कि अच्छा प्लेयर है, खिलाओ। अब वो जो है बैन स्ट्रोक कह देता है हमारा विराट कोहली है, टेस्ट में भी मारता है, वही बात, वो आईपीएल में बहुत महंगे दामों बिक गया, तो भैया वो क्यों 1-1.5 करोड़ रुपए के लिए वक्त जाया करेगा इधर पूरा सीजन? फिर ये भी खबरें आई कि बहुत सारे प्लेयर्स जो टॉप प्लेयर्स हैं राशिद खान वगैरह जो है दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द फुल पीएसएल, वो मतलब 2-3 मैचेस कुछ खेलेंगे कुछ ज्यादा खेलेंगे, लेकिन दे आर नॉट टोटली अवेलेबल फॉर द पीएसएल। तो अब पीसीबी जो है एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो रही है अब फ्रेंचाइजेस के लिए जी कि वो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स अनाउंस करें, तो यार ये तरीका मुझे नहीं समझ में आया। उसके बाद उन्हें आईपीएल में बहुत ज्यादा महंगे दाम हुआ खरीदा गया, 36 करोड़ रुपए के जो लगभग अमाउंट बनती है तो बहुत बड़ी अमाउंट थी वहां पर, और पाकिस्तान में लगभग उनके जो $2 लाख थे वहां $36 लाख थे, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, जिसकी वजह से इस बात का इंकार जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब हैरी ब्रूक की जो दिलचस्पी है वो कम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आईपीएल का तो बोलबाला पूरी क्रिकेट दुनिया में है ही, इसके आगे कोई टिक नहीं पाता, लेकिन ये जो पीएसएल है ये हर बार आईपीएल को टक्कर देने की कोशिश करता है और मुंह की खाता है, इस बार भी मुंह की खाई है। और जो विदेशी खिलाड़ी हैं, जो इंग्लिश प्लेयर हैं, जैसे कि आप जानते हैं हैरी ब्रूक हो गया और आदिल रशीद, ये जैसे बड़े बड़े प्लेयर हैं, इंग्लिश प्लेयर जो है वो अब पीएसएल को खेलने में साफ मना कर दिए हैं और ये कह रहे हैं कि हमको आईपीएल में जितना ज्यादा मिल जाता है तो हम पीएसएल खेलने क्यों जाए, नेशनल ड्यूटी का बहाना देकर अब ये पीएसएल से अपना हाथ छुड़ा लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि आप जानते हैं कि पीएसएल को अगर कोई लात मार देता है तो उनकी बहुत ज्यादा जगह पे जलन होता है, तो ऐसे ही पाकिस्तान मीडिया को जलन रही है, सूझ रही है इनकी, तो ये बड़बड़ा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं, जैसे कि आपने इंटरव्यू में देखा, मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। अब पीएसएल ने भी यार आज खबर ये आई कि जी वो बेन आदिल राशिद भी नहीं आ रहे हैं और हैरी ब्रूक्स वाज अ बिग ड्रॉ इन द लास्ट पीएसएल, वो भी नहीं आ रहा इंग्लिश टीम की कमिटमेंट्स की वजह से। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगर इंग्लिश टीम की कमिटमेंट्स थी तो ये फिर ड्राफ्ट में करके आ रहे थे यार, फिर इनको आपने ड्राफ्ट में रखा क्यों था? अगर ये अवेलेबल नहीं था तो इनको फिर ड्राफ्ट में क्यों रखा गया पीएसएल के? क्योंकि वो तो दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो जब और दोनों ही वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड के लिए, और मतलब ब्रुक्स तो जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, तो जब ये अवेलेबल नहीं था तो हाउ दे साइन ऑन बाय डिफरेंट टीम्स, मुझे अजीब सी बात लगी। फिर ये भी खबरें आई कि जी बहुत सारे प्लेयर्स जो टॉप प्लेयर्स हैं राशिद खान वगैरह जो है दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द फुल पीएसएल, वो मतलब 2-3 मैचेस कुछ खेलेंगे कुछ ज्यादा खेलेंगे, लेकिन दे आर नॉट टोटली अवेलेबल फॉर द पीएसएल। तो अब पीसीबी जो है एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो रही है अब फ्रेंचाइजेस के लिए जी कि वो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स अनाउंस करें, तो यार ये तरीका मुझे नहीं समझ में आया। आप जब ड्राफ्ट में, अभी ड्राफ्ट को कितने दिन हुए, जब आप ड्राफ्ट में बैठ रहे हैं तो भाई आप पहले ये तो कंफर्म कर लें कौन सा प्लेयर कब अवेलेबल होगा, पूरा पीएसएल खेलेगा नहीं खेलेगा, फिर कौन सा जो है पार्शली खेल सकता है, मतलब आप जब अनाउंस करते हैं प्लेयर्स को साइन ऑन किया है तो कम से कम ये चीज तो ऑनेस्टली क्लियर करें ना यार, कौन सा प्लेयर अवेलेबल है कौन सा प्लेयर पार्शली अवेलेबल है। जब आप प्लेयर्स के नाम अनाउंस करते हैं कि ये हमने प्लेयर साइन किया, तो उसके उनके आगे क्लियर लिखा होना चाहिए कि भाई ये पार्शल अवेलेबल है ये पूरा अवेलेबल है। ये मतलब इनिशियली आप गलत इंप्रेशन देते हैं कि जैसे पता नहीं कितने प्लेयर्स हमने साइन कर लिए, फिर पता चल रहा है कि वो प्लेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है या वो पार्शली अवेलेबल है। एंड दिस यू नो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग के ये प्लेयर्स पार्शली अवेलेबल होना, इट डजंट हेल्प अ टीम, आई डोंट थिंक इट हेल्प्स अ टीम। वो फिर कैसे अपनी तैयारी करे जब वो मतलब 2 मैच में 1 प्लेयर नहीं, 3 मैच के बाद एक प्लेयर चला जाएगा, इट डजंट मेक सेंस यार। तो बहरहाल आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड टू रीड दिस न्यूज कि ये जो आया पीएसएल का, तो लेट्स होप के मतलब मैक्सिमम प्लेयर आ जाए या रिप्लेसमेंट प्लेयर अच्छा आ जाए। पाकिस्तान सुपर लीग में कई बड़े खिलाड़ी अनअवेलेबल हो गए हैं, यानी कि आइंदा जो आने वाला एडिशन है वो नहीं खेलेंगे, जिसमें हैरी ब्रूक शामिल है, आदिल रशीद शामिल है, जबकि जो दीगर टॉप खिलाड़ी हैं वो भी ज्यादा मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आज होने वाली रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पाकिस्तान सुपर लीग की जो तमाम टीमें हैं उनके स्क्वाड्स में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है उस वो होने जा रही है, कल होनी थी लेकिन आज मुलतवी हो गई, कुछ टीम फ्रेंचाइजेस की शायद तैयारियां नहीं थी उस तरह की कि वो रिप्लेस कर सके अपने प्लेयर्स। इसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कि ऑलरेडी जो मुख्तलिफ टीमें हैं उनका हिस्सा बन चुके थे, अब वो अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अवेलेबल तो हैं लेकिन बहुत ही कम मैचेस के लिए, तो इसकी वजह से जो ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि पीएसएल 2023 का जो रंग है वो फीका ना पड़े, जो टॉप स्टार्स हैं उनके बगैर टीमें मैदान में ना उतरें, तो इसलिए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का एहतमाम किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी चेंज हो सकते हैं। तो सिकंदर रज़ा जो है चंद एक मैचेस में कम से कम 2 से
तीन मैचेस मिस करेंगे, वो लाहौर कलंदर के स्क्वाड का हिस्सा बने थे इस बार। इसके अलावा एलेक्स हेज और डेविड मिलर वो पार्टिशली अवेलेबल होंगे, यानी चंद मैचेस के लिए सिर्फ अवेलेबल होंगे। डेविड मिलर जो हैं वो पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग में खेल चुके हैं, एलेक्स हेज जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, तो ये ऐसे प्लेयर हैं। और रेली रसो जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं वो शायद प्ले ऑफ के मैचेस ना खेल सकें, तो आदिल रशीद की जो सिलेक्शन है वो नहीं हो सकेगी। जबकि हैरी ब्रोक जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता सीज़न में लाहौर कलंदर के लिए खेलते हुए खुद को नुमाया करने में कामयाब रहे थे, उसके बाद उन्हें इंग्लैंड की टीम में मौका मिला, वहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे और फिर पाकिस्तान के टूर पर आए तो यहाँ पर भी शानदार कारकर्दगी दिखाई, हत्ता कि वो T20 प्लेयर हैं लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। उसके बाद उन्हें IPL में बहुत ज़्यादा महंगे दामों खरीदा गया, 36 करोड़ रुपये के जो लगभग अमाउंट बनती है तो बहुत बड़ी अमाउंट थी वहाँ पर, और पाकिस्तान में लगभग उनके जो $2 लाख थे वहाँ $36 लाख थे, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, जिसकी वजह से इस बात का इम्कान तो जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब हैरी ब्रोक की जो दिलचस्पी है वो कम हो सकती है। इसके बाद अब ये कहा गया है कि वो शायद अवेलेबल नहीं है, उन्होंने लाहौर कलंदर को भी और पाकिस्तान सुपर लीग के हुकाम को भी आगाह कर दिया है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लिहाजा उनका जो मुतबादल प्लेयर है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। और ये लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा धचका होगा उनकी बैटिंग लाइन को, जहाँ पर हैरी ब्रोक जैसा बल्लेबाज इस बार एक्शन में नहीं आ सकेगा। इस तरह मोइन अली जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का सप्लीमेंट्री पैक के जरिए हिस्सा बने थे वो भी ज़्यादा मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें सारी जो फ्रेंचाइजेस हैं सोच रही हैं, उनके कोचेस, उनके टीम मैनेजमेंट, कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं, कौन कौन से खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो उसके मुताबिक वो अपनी प्लानिंग बनाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स भाग गए, हैरी ब्रूक नहीं होगा तो फला नहीं होगा तो राशिद खान नहीं होगा, असल में इसका कसूरवार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, हर बात आप क्रिकेट बोर्ड पर नहीं डाल सकते। साहब का चेयरमैन तो हर चीज को ऐसे ओन करते थे, एक तरह से दादागिरी वाला कल्चर हमें नजर आता था उनका। लेकिन अगर ऑन अ वेरी सीरियस नोट आपको बात बताएं तो ये जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ये जब अपनी कहना चाहिए प्रमोशंस करते हैं, यार वो फला हम खरीद रहे हैं, पहली पिक हमारी है, तो यार व्हाई नॉट कि जैसे ही PSL का ड्राफ्ट कंप्लीट हो तो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की कमिटमेंट्स को देखते हुए आप लोग मार्केट में खुद एस्केलेट करें, आप लोग खुद ये चीज थ्रो क्यों नहीं करते, फ्लोट क्यों नहीं करते कि यार ये प्लेयर इन इन दिनों तक अवेलेबल है, उसके बाद इसके मुल्क की सीरीज है तो ये अपनी नेशनल ड्यूटी सर अंजाम देगा, उसके बाद उससे पहले भी आप सब कुछ बताया करें यार, ये आपको बताना होगा। लोग कंफ्यूज है यार, लोग कह रहे हैं हम सप्लीमेंट्री, पता इससे क्या होता है, एकदम से जब खबर चलती है हैरी ब्रूक नहीं आ रहा, अब तरह तरह की बातें होती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती। जो मैं कहता हूं कि लिविंग स्टन इधर 1.5 करोड़ ले रहा था IPL में, उसको 10-12 करोड़ मिल गए, तो अब वो पाकिस्तान सुपर लीग उसके लिए आम नहीं रहेगी। इसी तरह हैरी ब्रूक ने लाहौर कलंदर ने उसे बनाया, सेंचुरी भी उससे करवाई, दुनिया को दिखाया, इंग्लैंड वालों को बताया कि ये अच्छा प्लेयर है, इसे खिलाओ। अब वो जो है बेन स्टोक्स कह देता है हमारा विराट कोहली है, टेस्ट में भी मारता है, वही बात, वो IPL में बहुत महंगे दामों बिक गया, तो भैया वो क्यों 1.5 करोड़ रुपए के लिए वक्त जाया करेगा इधर पूरा सीजन। ये लौंडे किधर है, आदिल रशीद भाई, ये है कौन, घंटे का तेल लिया हुआ थाला, भिखारी का झटके का, ऐसी की तैसी लाना। जब से बाबर को आउट किया लोग इसे बड़ा बोलना समझ रहे हैं, या सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ बॉलिंग अच्छी कर दी, वो भी नखरे बाद रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं 1.5-2 मैच के लिए आऊंगा, जब लाना दे तेरे पे, तेरी वजह से थोड़ी लीग चल रही है कोई, तेरे को 1 विकेट दे दी बाबर आजम ने, तू थोड़ा घंटे का जरा सा बड़ा बॉलर बन गया, तो इसका मतलब ये है कि तू अपने नखरे करेगा भाई, अभी इतना भी तू बड़ा बॉलर नहीं है, 2-3 मैचेस के लिए वो कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कई बड़े बड़े खिलाड़ी हमें पाकिस्तान सुपर लीग का या तो बिल्कुल हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो कि पार्शली पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर होंगे, की वजह से अब हैरी ब्रूक आपको पाकिस्तान में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, PSL में परमानेंटली वो आउट हो गए हैं PSL से। और इसके अलावा आदिल रशीद को भी हमने मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेलते हुए देखना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अब मुल्तान सुल्तान की तरफ से परमानेंटली इस PSL से बाहर हो गए हैं, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट भी हो गई है, लेकिन कम से कम ये दो जो खिलाड़ी हैं वो जनाब उनका PSL से चले जाना मेरे ख्याल में बड़ा झटका जरूर है। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया, जो इंग्लिश प्लेयर ने PSL को लात मारा है, इसके बाद इनके ठिकाना लग गया है, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मीडिया बहुत ही बिलबिला रहा है, और बिलबिला का कारण भी यही है कि ये सोच रहे हैं कि इसको IPL के कारण इन्होंने मतलब PSL को छोड़ दिया है अपना नेशनल ड्यूटी का बहाना देकर। लेकिन अगर बताया जाए तो IPL में इतना ज्यादा पैसा मिलता है जो कि एक प्लेयर के लिए सफिशिएंट होता है जो दूसरे लीग को लात मारने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा IPL में पैसा मिल जाता है पूरी साल का उसका ये जो एक्सपेंडिचर वो निकल देता है। लेकिन अगर वहां पर देखे PSL में उनको 1.5 करोड़ दे देते हैं और 10-12 मैच उनको खिलाते हैं,
तो इसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये एक प्रेशर तो मतलब इतना मैच तो एक खिलाड़ी खेलेगा इंग्लिश प्लेयर और उसको इतना ज्यादा कम पैसा मिलेगा तो क्यों खेलेगा। तो पीएसएल एक तो पैसा नहीं बढ़ा रहा है और इसका सारा का सारा जो खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ी इसका जिम्मेदार वो आईपीएल को ठहरा रहा है। भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास खिलाड़ियों को देने के लिए, ना तुमको अच्छे खाना दिला रहे हो। वो इंग्लैंड प्लेयर आपको कंप्लेंट करते हैं, आए दिन कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमारे खाना अच्छा नहीं है, हमारा पेट खराब हो गया, और तुम आईपीएल के साथ कंपेयर करो। आईपीएल का हॉस्पिटलिटी अच्छा है, आईपीएल का पैसा अच्छा है, आईपीएल में क्रेज है, आईपीएल में कोई रन मारता है तो उसका नाम दुनिया भर में खिलता है। लेकिन पीएसएल जो ये बड़ा बड़ा बातें बोल देते कि हमारे दूसरे लीग है तो उसका इतना ज्यादा व्यूअरशिप क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसको भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और हरी ब्रुक ने जो लात मारा है आपको कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।